भारत ने किस तरीके से रक्षा क्षेत्र में आज अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया। विराट रूप का यह प्रदर्शन गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। आज से शुरू हुए डिफेंस एक्सपो का उन्होंने उद्घाटन किया। ये देश में हथियारों और सैन्य साज सामान की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जहां स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई जाती है। ब्रह्मोस से लेकर पिनाका रॉकेट सिस्टम और गरुड़ गन सिस्टम से लेकर देश में बने ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 को शामिल किया गया है। डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूर डीसा एयरफील्ड का शिलान्यास करने भी पहुंचे। वहीं इशारों में पाकिस्तान को उन्होंने चेतावनी दी कि उसके दुस्साहस का अब और बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो हुए हैं उनसे कई मायनों में डिफेंस एक्सपो अलग है। मोदी की ललकार, पाकिस्तान खबरदार। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। लोह पुरुष की धरती से भारत का शक्ति प्रदर्शन। आज हम लोह पुरुष सरदार पटेल की धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया, तो भारत ने दुनिया को रक्षा क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास भी कराया। इस मौके पर उन्होंने बनासकांठा के पाटन के पास मौजूद भारतीय वायुसेना के डीसा एयरफील्ड का वर्चुअली शिलान्यास किया। ये वायुसेना का 52वां स्टेशन है। ये पाकिस्तान से लगती वायु सीमा और गुजरात के बड़े शहरों को नापाक नजरों से और सुरक्षित बनाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है। लड़ाई के वक्त हमारे लड़ाकू विमानों का रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ जल, थल और नभ तीनों दिशाओं से सैन्य अभियान करना संभव होगा। साल 2000 में मुख्यमंत्री रहते पीएम मोदी ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे कई सालों तक लटकाए रखा। आज इसके उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेताया कि उसने दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। इस बार का डिफेंस एक्सपो कई मायने में अभूतपूर्व है। ये एक नई शुरुआत का संकेत है। पहली बार भारत में ऐसा डिफेंस एक्सपो हो रहा है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पहली बार केवल मेड इन इंडिया हथियार और सैन्य साजो सामान और वाहन इसका हिस्सा हैं। पहली बार यहां 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, कंपनियां और जॉइंट वेंचर हैं। यही नहीं, पहली बार 100 स्टार्टअप भी डिफेंस एक्सपो का हिस्सा है। अनेक अफ्रीकी देश रक्षा साजो सामान और हथियारों के लिए भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे 53 देश इस एक्सपो में शामिल हैं और उनके साथ पहली बार 450 से ज्यादा समझौते किए जा रहे हैं। हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत अब कई देशों को उपकरण निर्यात कर रहा है।
हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपये हो चुका है। इस डिफेंस एक्सपो के जरिए गुजरात की धरती पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। डिफेंस सप्लाई में दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियों का एकाधिकार था, मगर इस एकाधिकार को तोड़ते हुए मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों के साथ भारत ने हथियारों के बाजार में अपने पैर जमा लिए हैं। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। तो डिफेंस एक्सपो में एक से बढ़कर एक हथियारों और साजो सामान का प्रदर्शन किया गया है। उन्हें या तो स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है या फिर भारत ने विदेशी कंपनियों के सहयोग से उन्हें तैयार किया। उनमें से 63% हथियार हमारी सेना खरीद रही है और बेहद जरूरी होने पर ही दूसरे देशों से हथियारों का आयात किया जाता है। अब आपको डिफेंस एक्सपो के उन दमदार स्वदेशी हथियारों को दिखाते हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन। एक से बढ़कर एक मारक हथियार, रक्षा के साजो सामान, जिसके लिए कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, वो अब अपने देश में बनने लगे हैं। पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। गरुड़ गन सिस्टम 17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बना सकता है। ब्रह्मोस का नया अवतार हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। कल्याणी बख्तरबंद गाड़ियां गोलियों और बारूदी सुरंगों से बचाने में सक्षम है। अस्मी पिस्टल 1 मिनट में करीब 800 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। तो गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने आज तक संवाददाता मंजीत नेगी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वायुसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियार। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस डिफेंस एक्सपो के दौरान सेना स्वदेशी अगर इक्विपमेंट की बात करें, किस तरह की इक्विपमेंट देख रही है, क्या फोकस एरिया है आपका? देखिए, डिफेंस एक्सपो के दौरान हमारे 3-4 मेन उद्देश्य है। सबसे पहला कि ये एक अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, जब आप भारतीय सेना का आगे जाते हुए क्या विजन है और हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम इंडस्ट्री को बताना चाहते हैं। ये सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, ये और एक मौका है जहां पर हमारी जो नई टेक्नोलॉजीज या नीच टेक्नोलॉजीज हमारे देश में अवेलेबल है, उनको किस तरह से हम प्रैक्टिस में लाएं या कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरा, R&D के क्षेत्र में खास करके ये अच्छा मौका है, जब R&D लोग जो R&D में इन्वॉल्व है और साथ में सेना, हम दोनों आपस में बातचीत करके उसमें जो कॉमन ग्राउंड है, क्या पोटेंशियल है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं।